हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसको राउंड में बनाया है और हाफ बनाया है। अगर आपको फ्रेंड्स डोरमेट बना के यूज करना है तो ऐसे हाफ बना के आप इन फंदों को यहीं पे बंदे कर दीजिए, तो इसकी ये गोल शेप भी हाफ राउंड में बहुत ही अच्छी लुक देगी, डोरमेट बनाओ तो। और अगर फ्रेंड्स आपको पूजा का आसन बनाना है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के आप इसको पूजा का आसन भी बना के यूज कर सकते हो। ये देखिए, मैंने 26 फंदे का बनाया है, 26 फंदे का ये मेरा इतना बड़ा बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा अगर आसन वगैरह बनाना है तो थोड़ा सा आप और बड़ा बना लीजिए इसको, जैसे 40 फंदे का बनाओगे तो काफी बड़ा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालना, और जो भी आपको कलर इसमें ज्यादा लगाना है उसके फंदे सबसे कम डालना। ये मैंने ग्रीन कलर इसमें ज्यादा लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये इस कलर के 6 फंदे डाले थे, और 10 ये ब्लैक के और 10 ये पिंक के। तो आप भी जो आपको डोरमेट में सबसे ज्यादा कलर आपको यूज करना है उसके फंदे आप सबसे कम डालिए। तो देखिए, डिजाइन को समझने के लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास वेस्ट पड़ी जो चुन्नियां थी उन्हीं की मैंने ये इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने पट्टी बनाई है। जो हमारे पास वेस्ट चुन्नी पड़ी रहती है ये आप देख सकते हो, ये देखिए इतनी चौड़ी चौड़ी आप पट्टी बना लीजिए। और 8 नंबर की मेरे पास नीडल है, आपके पास अगर मोटी है तो आप मोटी 6 या 7 नंबर की भी इसमें यूज कर सकते हो। तो देखिए, सिंपल, बिल्कुल बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, देखने में ये लगता है कि मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान ये डोरमेट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, एक सिंपल नोट लगाई, एक फंदा हमारा ये हो गया। ऐसे फंदे डालने हैं इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से, 2 3 4 5 6, हमने इसके 6 फंदे ही डालने हैं इस कलर के। फिर हम अपना लेंगे सेकंड कलर। ये देखिए, ये मेरे पास ब्लैक चुन्नी थी तो मैं सेकंड कलर ब्लैक लगाऊंगी। जितने भी आप इसमें कलर डालो आप ऐसे अलग अलग फंदे स्टार्टिंग से ही डाल लेना। एक सिंपल नोट लगाई, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, 10 फंदे हमने इसके डाल लिए। अब फ्रेंड्स, मैंने सबसे एंड में इसमें पिंक लगाया है। जो भी आपको कलर सबसे कम लगाना हो उसको आप लास्ट में डालिए, और जो सबसे ज्यादा लगाना है उसको आप स्टार्टिंग में डालिए। एक हमारा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए, ये हमने डाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। 2 रो फ्रेंड्स हम ऐसे ही निकालेंगे सिंपल, उसमें हमारे ये अलग अलग नहीं रहेंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो कैसे उतारेंगे देखिए, फर्स्ट रो थोड़ी सी आप आराम से उतारिए क्योंकि हमारे फंदे टाइट हैं। और वैसे फ्रेंड्स, आपका जो भी तरीका हो फंदे डालने का, आप इसमें वैसे फंदे भी डाल सकते हो। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है, जो बिगनर्स हैं वो आसानी से इसको डाल लेंगे। जिसको थोड़ा भी उल्टा सीधा बनाना आता होगा फ्रेंड्स, वो भी इस डोरमेट को बहुत ही आसानी से बना लेगा।
इस लास्ट वाले को भी हम बना लेंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें ज्वाइंट कैसे लगाना है। ये देखिए, ये ब्लैक फंदा बनाया, इसको हम इसके ऊपर से ले लेंगे। आप इसको भी फ्रेंड्स इसी के अंदर, पट्टी के अंदर आप इसको ले लेना। ये देखिए, ऐसे पट्टी के अंदर रोल करके और इस ब्लैक वाले को इसके ऊपर से लेना क्रॉस करके। ये देखिए, ऐसे इसको टाइट खींच देना और फिर हम ये बनाएंगे। जब हम क्रॉस करके लेंगे धागा तो वो हमारा ज्वाइंट अच्छे से लग जाएगा, गैप हमारा खत्म हो जाएगा। ये इस रो में हम फंदे अपने ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदे जैसे हैं। ये लास्ट वाला भी हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब इस बार फिर हमने ऐसे ही करना है, ये ऊपर से लेना है और ये इसके ऐसे नीचे से लेना है। ये ग्रीन के हमारे 6 फंदे। आप इसमें सारे ही ब्राइट ब्राइट कलर लोगे तो ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। ये देखिए, लास्ट वाले को भी हम ऐसे बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक रो बना ली, एक रो में और ऐसे ही उतारूंगी, जो कलर जैसा है उसी की धागा क्रॉस करके लेके आऊंगी, तो ये हमारा ज्वाइंट अच्छे से लग जाएगा। तो मैं इसको, इस रो को कंप्लीट करती हूँ, अगली रो से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। देखिए, ये दूसरी रो भी मैंने उतार ली है, मैं बिल्कुल लास्ट में हूँ। तो लास्ट का फंदा हम कैसे बनाएंगे, आप देखिए ध्यान से। इसको पट्टी को आप पीछे करके, या ऊन हो आपके पास जो भी हो उसको पीछे करके आप इसको ऐसे सीधा बनाइए। ये देखिए, ये हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी और एक रो हमने उतार ली, और ये देख सकते हो आप हमारे ये ज्वाइंट कलरों में लग गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फंदा हमने सीधा उतारा था, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमारी कली बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ये दो हमारी बेसिक रो हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए, ये दो फंदे हम ऐसे, आप ऐसे ही क्रॉस करना हर बार। ये बाहर की तरफ अब हम बढ़ेंगे, ये दो हमने बना लिए, दो दो फंदे हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं इसको पीछे करके ग्रीन वाला ऊपर लेके आऊंगी। दो, तीन, चार, पांच और 6। देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमारे कम हो जाएंगे, जैसे दो इस बार कम हो गए, दो ब्लैक के ग्रीन में ले लिए कम हो गए, लेकिन ये फंदे हमारे 6 हमारे ऐसे ही 6 चलेंगे, दो दो हम पीछे इसमें ग्रीन के छोड़ते जाएंगे। राइट साइड से इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, फर्स्ट वाले को, और फिर हम ये रो बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए पीछे से धागा कैसे लेके आना है वो मैं आपको एक बार बता दूं। इसको पीछे करेंगे हम, और जो हमारा पीछे है इसके ऊपर से ऐसे लेके आएंगे क्रॉस करके। ये देखिए ऐसे, और फिर हम इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
देखिए ये रो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। फिर से मैं एक बार और आपको दिखा दूं, सबसे पहले हमारी पिंक कली बन के कंप्लीट होगी। बहुत ही जल्दी जल्दी बनके फ्रेंड्स ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बनाना। कोई भी आपके पास हो, अगर मल्टी कलर का आपके पास कुछ हो तो आप उससे भी इसको बना सकते हो। कोई साड़ी हो, चुन्नी हो, कुछ भी हो, बस उसकी आपने पट्टियां बनानी है और ये बना लेना है। 2, 3, 4, 5 और ये 6, दो फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे दो दो फंदे छोड़ के, और ये हमारा पिंक कलर बिल्कुल यहां तक हमारा ये ब्लैक आ जाएगा। मैं इसको इतना बना के फिर मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। देखिए मेरे पिंक के दो फंदे बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस बार हमारी ये पिंक कली बन के कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी हम ब्लैक कर लेंगे। दो दो फंदे हम बाहर की तरफ बढ़ते हुए आए हैं, तो हमारे पिंक जो हमने 10 फंदे डाले थे वो हमारे पूरे हो गए। ये देखिए, तो ऐसे ही फ्रेंड इस धागे को हमने ऊपर तक ऐसे ही साथ साथ लेके जाना है, और ऐसे ही हमारा ये वाला कलर ब्लैक वाला खत्म हो जाएगा। ये ग्रीन वाला हम इधर बढ़ रहे हैं, दो दो फंदे इधर, दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे और ब्लू के ग्रीन में डालते जाएंगे दो दो फंदे। तो जैसे हमारा पिंक कलर खत्म हो गया, हमारा ये ब्लैक कलर भी खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको यहां तक बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे ग्रीन के मैं यहां तक आ गई हूँ, और देखिए दो फंदे मेरे ब्लैक के बचे हुए हैं। इनको भी देखिए हम ग्रीन में मिला लेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6, दो फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए सारे ही हमने, सारी कली हमने बना ली हैं। एंड तक हम बिल्कुल अपने ग्रीन कलर को ले आए हैं। अब देखिए दोबारा से हमने कलर कैसे लगाने हैं वो मैं आपको एक बार बताऊंगी। इसको आप हमेशा सीधा ही बनाना। देखिए फ्रेंड्स सीधा बनाने से हमारे किनारे की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो अब देखिए, अब दोबारा फिर हमने अपने वही कलर इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, इनको भी फ्रेंड्स हम साथ साथ लेके आएंगे। 6, 7, 2, 3, 7, 8, 9 और ये 10। अब 10 फंदे हम अपने ब्लैक के लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और फ्रेंड्स ये मेरा पीछे रह गया, इसको साथ साथ आप रखना। और 6 फंदे हम इससे बना लेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए ये इस बार हमने जो दो दो फंदे करके छोड़ रखे थे फ्रेंड्स, सारे ही फंदे तो हमारे वो बन गए और हमारे कलर वापस से दोबारा से सेट हो गए। अब हमें क्या करना है, इस रो को ऐसे ही उतारना है
जो जैसा है कलर उसी से उतारना है। और फिर यहां से हमने दो दो फंदे जैसे हमने नीचे किया था ऐसे ब्लैक के पिंक में ले लेंगे और ब्लैक के दो ग्रीन में ले लेंगे और दो ग्रीन पीछे छोड़ देंगे। तो इसी कली की ऐसे ही हमने स्टार्टिंग करनी है। ये देखिए ऐसे हमने फंदे डाले थे, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया फ्रेंड से। अगर फिर भी कोई डिजाइन समझने में आपको कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही बनाओगे कंटिन्यू, तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। और अगर आपको डोरमेट बनाना है तो फ्रेंड्स आप इसको यहीं पे फंदे आप बंद कर दीजिए। और फंदे बंद कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हम दो का एक करेंगे, फिर वापस इसमें डाल के और फिर से हम इसका दो का एक कर देंगे। ये देखिए आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करोगे तो आपके फंदे बंद हो जाएंगे। इसको फ्रेंड्स मैं कंप्लीट करूंगी, राउंड शेप में बनाऊंगी, इसलिए मैं ये फंदे ज्यादा बंद नहीं कर रही। ऐसे ही आपने फंदे बंद करने, दो का एक करना, फिर इसमें डालना है वापस अगर आप हाफ बनाओ तो। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस डिजाइन को शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।